रामदास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक के कार्बोनिल कंपाउंड की। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका है ना CO ग्रुप का क्या किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि उसमें जो आपका है आइसोमेरिज्म कैसे संपन्न होती है, कैसे उसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेथड्स की, है ना, इसको कैसे बना सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि इनको कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड अपने पास में है वो एल्कोहल से, बाय एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें एल्कोहल से बनाने के लिए यदि अपने पास में कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, कोई मान लीजिए 1 डिग्री एल्कोहल है और इसको अपने को क्या करना है, एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या करेंगे अपन, तो इसका कर देंगे अपन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करने से ये 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, CH3CHO+, ये अपने को एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कौन, 1 डिग्री एल्कोहल। तो याद रखना 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। और अपने पास में 2 डिग्री एल्कोहल हो तो क्या होगा, CH3CHOH CH3, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, तो आपका जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। और अगर आपके पास में कोई बेंजील एल्कोहल है, मान लीजिए CH2OH, इसको यदि आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाएगा आपके पास में, बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल सी बात कि 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है आपका, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। एरोमेटिक कोई एल्डिहाइड है और उसमें ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, CH2H, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन इसमें जो ये OH ग्रुप का कौन सा है, ये एलिफेटिक है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट CH2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, बेंजाइल, यही याद रखिए आप, बेंजाइल एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, बेंजाइल में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंपल से तरीके हैं इसके ऑक्सीडेशन के। अब ऐसे कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं जिनके कारण ऐसा होता है, तो देखिए आपका K2Cr2O7, ठीक है, इसके अलावा आपके पास में आपका ये जो है क्षारीय K-4, ठीक है, इसके अलावा आपका तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट, और तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट कैसे बनता है, Cr2O3+CH3CO(H), ठीक है, ये आपका तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट से बनता है। इनमें से कोई सा भी आपका क्या हो, कि क्या करेंगे सारे के सारे, ये स्पेशल आपका 1 डिग्री से ज्यादा पाई होता है। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल पे ज्यादा अप्लीकेबल है, बाकी आप इनमें से किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एल्कोहल से अपन कैसे बना सकते हैं, इसके मेथड कुछ मेथड और पढ़ेंगे अपन, एक बार आप इनको आराम से पहले लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स,
मेथड्स ऑफ डिप्रेशन में अपना सबसे पहला मेथड है एल्कोहल से, है ना। और एल्कोहल से अपन बात करें तो देखो एल्कोहल जो आपकी वैसे तीन तरह की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन क्या काम में लेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होती है, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होती है, कीटोन में। 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो आपकी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है उसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो, इसलिए 3 डिग्री को अपन यहां पर काम में नहीं लेंगे। इसके अलावा बेंजील एल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बेंजाल्डिहाइड में, ये याद रखना। और एजेंट कौन से काम में लेते हैं अपन, K2Cr2C1 या चाहिए KMnO4, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका एक विशेष रिएजेंट है तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल पे अप्लाई होता है। 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये स्पेशल इसके लिए, इसको याद रखना। तो ये कुछ मेथड थे जो अपन ने बात की। अपन फिर आगे और इसमें एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट मेथड और देखेंगे। तो ये आपने उतार लिए होंगे अब तक, और देखिए आगे चलते हैं अपन। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई 1 डिग्री एल्कोहल है CH3CH2OH और इसको आपको एल्कोहल से बदलना है तो आप क्या काम में ले सकते हैं, NBS काम में ले सकते हैं, ठीक है। क्या काम में ले लेंगे, NBS, ये NBS, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2, ठीक है। अब ये NBS क्या होता है वो देखिए, NBS होता है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। अगर इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो होता तो ये हो जाता सक्सिनिमाइड, इसको बोलते हैं अपन सक्सिनिमाइड, क्या बोलते हैं, सक्सिनिमाइड। लेकिन इस नाइट्रोजन से अपन ने हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, पूरा नाम क्या इसका, एन ब्रोमो सक्सिनाइड, ठीक है। तो ये जो है ये Br एक हाइड्रोजन निकालेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HBr में, ठीक है। और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस नाइट्रोजन पे ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिमाइड में। तो इस तरह से आपकी ये अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है, ठीक। जो NBS है वो आपका ये था CH2 CH2 CO CO NBr, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपको वहां पर क्या मिल गया, ये H2O को मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि NBS होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये जनरली ऑक्सीडेशन के काम में आता है और ये इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके इसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। लिखिए इसको आप फटाफट। तो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के द्वारा भी तुम क्या कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। एक मेथड और देखिए, काफी काम का मेथड आपका। मान लीजिए आपके पास में ये RCHOH, ये कोई आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसके आपने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। आपने यहां पर लिया है कोई एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
तीन मॉलिक्यूल ये एसीटोन के। आपने यहां पर एक रिजेंट लिया जिसका नाम है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, क्या है ये CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस एयर, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तो ये क्या करता है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, इस एल्कोहल को तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंड क्या बनेगा द्वितीय का नाम, तो कीटोन बन जाएगी आर, तीन मॉलिक्यूल कीटोन के प्राप्त होंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, क्योंकि क्या आपके पास में CH3 CH3CHOH ये CH3, तो तीन मॉलिक्यूल आपको इसको मिल जाएंगे। तो ये इसको तो किसमें कन्वर्ट करता है, जो एल्कोहल है उसको तो कर देगा कीटोन में कन्वर्ट, है ना, और जो आपका कीटोन है उसको कर देगा एल्कोहल में कन्वर्ट। तो ये एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड जो है वो एक का तो करता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का करता है रिडक्शन, और इस प्रोसेस को इसको बोलते हैं ओपन आर रिडक्शन, क्या बोलते हैं सॉरी ओपन आर ऑक्सीडेशन। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब तक जो भी पढ़ा आपने सबसे इंपॉर्टेंट अभी किया है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के द्वारा ओपन आर ऑक्सीडेशन, ठीक है, नोट करो इसको देखे। याद रह जाएगी ना कि 2 डिग्री एल्कोहल को यदि अपने को ऑक्सीडेशन करना है, और वो ऑक्सीडेशन अपन किसके द्वारा करते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ में, तो क्या होता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और जो आपने एसीटोन लिया था उसका बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, तो इस तरह का ऑक्सीडेशन जो आया वो कहलाएगा आपका ओपन आर ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट विपरीत जो होता है वो आपका एमपीवी कहलाता है, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन कीटोन के अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसके रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा फिर वापस जब इसको मैं बताऊंगा तो इसका रिडक्शन में तब बताऊंगा, तब मैं आपसे इसको बात करूंगा वापस से, ठीक है। तो ये था आपका ओपन आर ऑक्सीडेशन या ओपन आर ऑक्सीकरण। अब अपन एक कुछ बात करते हैं और एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, और क्या मेथड हो सकता है। तो ये एल्कोहल बहुत काम की चीज है, कोरोना में बहुत काम की चीज रही है एल्कोहल, हाँ ना, सैनिटाइजर के रूप में जितने भी आपने सैनिटाइजर काम में लिए हैं उसमें 70% एल्कोहल का योगदान है, 70% उसमें जो कंटेंट होता है वो एल्कोहल होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि अपन इसका बाय एल्कोहल से और कैसे कर सकते हैं, तो अपन एक मेथड और अपने पास में डिहाइड्रोजनेशन कर दें, क्या कर दें एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो चाहे तो हाइड्रोजन का अपने को योग करना हो, चाहे हाइड्रोजन को हटाना हो, दोनों ही रूप में क्या करते हैं मेटल काम में लेते हैं,
अगर हाइड्रोजनीकरण करना हो तो अपन निकल प्लेटिनियम प्लेडियम जो भी है मेटल को काम में लेते हैं, और अपने को हाइड्रोजन हटानी हो तो अपन काम में लेते हैं कॉपर डस्ट, और इसके साथ टेम्परेचर लेते हैं लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको, मान लीजिए आपके पास में कोई क्या है प्राथमिक एल्कोहल है, आपने लिया कॉपर डस्ट और टेम्परेचर लिया 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा, 1 डिग्री की बात होगी। आपने लिया 2 डिग्री एल्कोहल लिया, आपने अप्लाई किया कॉपर, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो क्या हो जाएगा कीटोन बन जाएगी। आपने ले लिया यहां पर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने बेंजील एल्कोहल ले लिया CH2OH, आपने लिया यहां पर कॉपर, इसके साथ में टेम्परेचर लिया 300 डिग्री सेल्सियस, एक इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, बना देगा इसका बेंजाइन डाई। तो ये एक मेथड है एल्कोहल से बनाने का डिहाइड्रोजनेशन, डी कैपिटल लिखते नाम डिहाइड्रोजनेशन, वी हाइड्रोजनीकरण, एक बार लिखो आप इसको। तो कॉपर डस्ट के द्वारा भी और टेम्परेचर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम इसका एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज नोटिस करेंगे आप इसमें, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है आपका एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, ठीक है। और चलते हैं आगे, एक है आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया RCOH, ठीक है, यहां पर ले लिया आपने H, ये CHROH, अगर आप इसको पर अप्लाई करेंगे HIO4, HIO4 क्या होता है पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीकरण करेगा, साथ में इसको ब्रेक भी कर देगा, तो ये क्या बना देगा RCHO प्लस और इसके साथ ही बनाएगा आपका ये H2। तो ये क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर आप इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा दें, एक एल्किल ग्रुप लगा दें, तो ये बन गया आपका तृतीयक, कौन सा बन गया तृतीयक एल्कोहल बन गया, क्योंकि इसका देखो ये जो कार्बन है ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो कौन सा है तृतीयक कार्बन है, और दो नजदीकी तृतीयक कार्बन पे अगर OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो याद करो मैंने क्या कहा था, वो कंपाउंड कौन सा होता है पहले बताइए मुझे आप। अगर दो तृतीयक कार्बन एक दूसरे से जुड़े हो और उन पर एडजेसेंट आपका OH ग्रुप जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपन सेकंड यूनिट में पढ़ाया था, तो इसको बोलते हैं पिनेकोल, और मैंने आपको वहां पर बताया था पिनेकोल, पिनेकोलों ने रीअरेंजमेंट में काम पे लिया था इसको मैंने, ठीक है। अब देखिए आप इसको HIO4 आप इस पे अप्लाई करेंगे तो यहां से इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो माइनस H2O क्या बनेगा RCR डबल बॉन्ड O प्लस RC डबल बॉन्ड OR, तो क्या बन गया कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया
और है जिसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकारी विघलन हिंदी में लिखो इसको। तो सबसे पहला मेथड अपने देखा एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं। तो एल्कोहल से आप कोई भी ऑक्सीकारक लीजिए आप, ठीक है, चाहे केमन हो ले लीजिए, K2CR2CO ले लीजिए, है ना, आपका तर्तिक ब्यूटिल क्रोमेट है वो केवल 1 डिग्री पे अप्लाई होता है, उसका ध्यान रखना एक विशेष। तो किसमें कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप इसका NBS N-bromosuccin divide को काम में लेते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। इसके अलावा नेक्स्ट बात की थी अपन ने एल्यूमिनियम तर्तिक ब्यूटोक्साइड की, एल्यूमिनियम तर्तिक ब्यूटोक्साइड है वो 2 डिग्री एल्कोहल पे अप्लाई होता है आपका, और उसके साथ में अपन लेते हैं एसीटोन। तो एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता है, एसीटोन का रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं ओपन आर ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात की इसमें डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, तो 1 डिग्री 2 डिग्री आपका जो एल्कोहल है उसको आप कॉपर डस्ट के साथ में गर्म करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, चाहे तो ऑक्सीजन जोड़ दे चाहे हाइड्रोजन निकाल दे बाहर, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की पर आइडिकेशन के साथ में, ठीक है। ये कुछ अभिक्रिया थी जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।